वेलकम इन्वेस्टर्स, वेलकम ट्रेडर्स। ऑन विच स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 29 मई 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम टोरेंट पावर के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे। अगर आप टोरेंट पावर के मंथली चार्ट को देखेंगे तो टोरेंट पावर एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल स्टॉक है। अगर हम देखेंगे 2015, 16, 17 में अगर आपने इस स्टॉक में SIP करना स्टार्ट किया होता लगभग 100-200 के आसपास, तो आज की डेट में ये स्टॉक 429 पे हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब चलते हैं हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स वीकली चार्ट पे। और वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ में जो वीकली कैंडल का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और लास्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक फॉल टोरेंट पावर में देखने को मिला। अब चलते हैं हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम में। उसके पहले हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक का जो ट्रेंड है या इस स्टॉक में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टू लोस को कनेक्ट कर दिया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लो भी यहाँ कनेक्ट हो चुका है और मंथली ट्रेंड के साथ में वीकली ट्रेंड भी यहाँ हमें अप देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे हम डिमांड जोन की। तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है जो कि लगभग यहाँ से 389 से लेकर तो 420 के आसपास का है। ये एक वीकली डिमांड जोन है और प्राइस आप देखेंगे कि वीकली डिमांड जोन के पास आके अपसाइड जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर और एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ऑन ए वीकली चार्ट पे यहाँ हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था। यहाँ पर प्राइस ने बहुत ज़्यादा वीक के ट्रेडिंग सेशन में 5 to 6 वीक के ट्रेडिंग सेशन में लगातार यहाँ पर रेजिस्टेंस के चलते 430 से प्राइस ऑन ए वीकली बेसिस के इसके ऊपर ट्रेड तो किया, लेकिन क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली और प्राइस लगातार डाउन साइड ट्रेड करता हुआ नज़र आया और उसके बाद प्राइस नीचे आया था लगभग 377 पे। अब चलेंगे हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे देखेंगे कि किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें टोरेंट पावर में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये टोरेंट पावर का डेली चार्ट है और ये जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल है ये एक डेली वीकली डिमांड जोन है और यहाँ से वीकली ट्रेंड लाइन भी जा रहा है। बट अगर हम यहाँ पर ऑन अ डेली चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक साइडवेज ट्रेडिंग का जो पैटर्न है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए स्टॉक ने ऑन अ डेली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 450 के आसपास क्लोजिंग लगाई और उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे आया और डेली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 424 के आसपास, यानी यहाँ पर प्राइस जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। और डेली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन है, ये वो डिमांड जोन है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो सपोर्ट लेता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब चलेंगे हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स आवरली चार्ट पे, और आवरली चार्ट पर देखेंगे कि वहाँ पर किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकती है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये टोरेंट पावर का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट पे प्राइस जिस स्पीड से नीचे आया तो हम देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस आने के बाद यहाँ पर आवरली चार्ट पे एक फॉर्मेशन बनाया, जो क्लासिकल लॉन्ग ट्रेड का सेटअप जिसे हम कहते हैं वो सेटअप यहाँ पर बन चुका है। और ऑन आवरली बेसिस पे अगर हम डिमांड जोन की बात करेंगे तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है ऑन आवरली बेसिस पे जो कि सपोर्ट पे ही है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम इस डिमांड जोन को ट्रेड कर सकते जब भी प्राइस नीचे आए लगभग 422 से लेकर तो 425 तक, तो हम इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस होगा 420 का। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा यहाँ पे 450 का, तो इस टारगेट के साथ में हम इस स्टॉक में एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड टारगेट हो जाएगा 460 का, फर्स्ट टारगेट है 450 का, सेकंड 460 का और थर्ड टारगेट है 465 का। अगर हम शॉर्ट टर्म फंडामेंटल्स
की अगर हम बात करेंगे तो अगर ऑन डेली बेसिस पे इसके ऊपर हमें ये स्टॉक का प्राइस अगर 450 के ऊपर अगर आता हुआ दिखाई देता है तो हमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा और 500 के प्राइस के लिए टोरेंट पावर में हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था टोरेंट पावर का डिमांड सप्लाई बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।